वेलकम जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे रेकमेंडेड कैंडिडेट विनय चौरसिया को, जिन्होंने एनडीए 151 के लिए 2AFSB मैसूर से SSB रिकमेंडेशन प्राप्त कर सफलता हासिल करी है। और आज इस वीडियो में आप देखेंगे रेकमेंडेड कैंडिडेट विनय चौरसिया के मोटिवेशन को, जिन्हें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के द्वारा सेंचुरियन एनुअल फंक्शन 2023 में फेलिसिटेट किया गया है। और आप कुछ वीडियो क्लिप्स के माध्यम से ये भी देख पाएंगे कि कैसे विनय चौरसिया ने अपनी प्रिपरेशन को सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में बूस्ट कर सफलता हासिल करी है। एंड एस्पिरेंट्स, आप रेकमेंडेड विनय चौरसिया के द्वारा अपने मोटिवेशन को बूस्ट कर पाएंगे और अपने आगामी एनडीए एग्जाम के लिए भी कामयाब होने में मदद पाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सो फ्रेंड्स, मतलब मेरा बैकग्राउंड थोड़ा अलग है, मैं सिविल बैकग्राउंड से हूँ और मैं उरई में रहता हूँ। मे भी काफ़ी ने सुना भी नहीं होगा उरई कहाँ है। तो मुझे स्टार्टिंग से मुझे तो पता था कि मतलब जाना तो आर्म फोर्सेस में, ये क्लियर था, लेकिन मुझे एनडीए के बारे में कुछ पता नहीं था। तो मैं 12th में आता हूँ, अपनी मैथ्स कोचिंग में था, तो वहाँ से एक भैया का निकला था रिटेन। तो जब मुझे पता पड़ता है कि एनडीए भी मतलब कुछ होता है, फिर मैं सब मतलब देखता हूँ और सितंबर वाला फिर एग्ज़ाम देता हूँ रिटेन, तो वो मेरा क्लियर नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। फिर मैं देखता हूँ कि 12th में फिर डेडिकेटेडली फिर 12th के बोर्ड्स पर हो जाता हूँ। फिर 12th के बोर्ड्स में अच्छे मार्क करने के बाद, लाइक इस टाइम मेरे ख्याल से अराउंड 20 डेज मिलते हैं बोर्ड्स के बाद, तो फिर अप्रैल में रिटर्न देता हूँ। उसके बाद होने के बाद सब कुछ फिर मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, मतलब क्योंकि यूट्यूब से ही पढ़ता था मैं उस टाइम, और मेरे जो काफ़ी टीचर्स थे, मेरा मतलब एक चीज़ तो थी, मुझे सारे टीचर ने सपोर्ट्स किया था, चाहे वो स्कूल के हों या कोचिंग के हों या सेंचुरियन में हों, सभी ने। जब मैंने देखा ना, तो मैंने देखा सेंचुरियन मतलब यहाँ पे सिलेक्शन अच्छे हैं काफ़ी, मतलब स्टाफ सब कुछ अच्छा है, तब मैं यहाँ पे आता हूँ, है ना। तो मतलब हमारी बैकग्राउंड में इतना इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं होती, तो मैं मदर को बताता हूँ कि ऐसा ऐसा है, यहाँ यहाँ जाएंगे तो ऐसा ऐसा होगा। तो मदर बोलती हैं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तुम जाओ, मैं हूँ ना। तो वो मतलब काफ़ी मतलब पेरेंट्स का काफ़ी सपोर्ट था फ्रॉम स्टार्टिंग, मतलब जब मैं छोटा सा था तभी से मतलब मेरी मदर ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है और आज मैं यहाँ तक हूँ। ये सब टीचर्स और मेरे पेरेंट्स का ही सब कुछ है। फिर मैं स्क्रीनिंग हो जाता हूँ, मतलब लास्ट टाइम ऐसा होता है, मैं 21 डेज का मतलब अपना प्रोसेस करने के बाद मुझे ये तो पता पड़ गया था करना क्या क्या है, किस किस एरियाज में मुझे इम्प्रूव करना है ना। तो सर के मतलब सर का इतना आंदा वो था, जब मेरा इंटरव्यू होता है, लास्ट ट्रेन होता है, मतलब मेरी 11 बजे ट्रेन थी, मुझे घर जाना था अपने, उसके बाद मुझे SSB के लिए निकलना था और मैं रात को 10 बजे सर के साथ इंटरव्यू कर रहा था उस टाइम। तो वो मेरा इंटरव्यू मतलब जाना अच्छा नहीं था, लेकिन मुझे ये पता पड़ गया था, क्योंकि क्या है ना, मैं मतलब जब भी कभी इंटरव्यू में जाता था मैं फ़ोन रिकॉर्डिंग चालू करके जाता था। मैंने काफ़ी टाइम फीड भी किया सर का स्टोरीज को चेक कराने के लिए, तो मेरे पास उसकी पूरी रिकॉर्डिंग थी मेरे इंटरव्यू की, और मतलब जो भी मेरे सारे दोस्त थे उन्होंने भी मेरा इंटरव्यू देखा था, तो सभी ने बताया था मतलब क्या क्या कमी है। तो फिर मैं वो इंटरव्यू को मतलब लिखता था, 2-3 बार सुना मैंने, फिर उससे सारी जो भी मतलब मैं कर सकता था अपने अंदर इम्प्रूवमेंट वो मैंने सब कुछ किया। तो उसके बाद जब मैं जाता हूँ वहाँ पे, तो मेरा जो क्या कहते हैं इंटरव्यू लिया, वो प्रेसिडेंट थे वहाँ के एयर कॉमोडोर पी सरवरन सर, 2AFSB मैसूर के। तो जब वो मेरा इंटरव्यू लेते हैं, तो इंटरव्यू में एक भी सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मुझे भूला हूँ, इवन रैपिड फायर भी मुझे बिल्कुल याद थे बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन में अटका था, थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन का था, तो उन्होंने क्रॉस चेक के लिए फिर मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे थे मैथमेटिकल के, तो मैं बता दिए थे फिर। तो इवन इंटरव्यू में एक भी ऐसा सिंगल क्वेश्चन नहीं था, तो वो मुझसे पूछते हैं कि बेटा आपने कहाँ से कोचिंग की है क्या, मैंने कहा यस सर सेंचुरियन। तो बोलते हैं इंटरव्यू कहाँ कहाँ लेते हैं वहाँ पे, मतलब कौन कौन लेता है, तो मैं सब बताता हूँ। तो सर बोलते हैं रियली वेरी गुड, मतलब मेरा इंटरव्यू GTO से ज़्यादा अच्छा गया था, जबकि मेरा GTO भी अच्छा था, मुझे कमांड टास्क के लिए सबसे लास्ट में लाया, एवरीथिंग मतलब साइक की मैंने सारी क्लासेस कर रखी थी, TAT तो मुझे मतलब मैं समझ गया था स्टार्टिंग में, तो मैं जब आया था तब मुझे 2 वीक तक तो यही पता नहीं पड़ा था कि PPDT और TAT में अंतर क्या होता। फिर लास्ट में मुझे पता पड़ता है कि ये करना होता है TAT में और PPDT में। सब कुछ अच्छा था, मतलब पूरी गाइडेंस मैं लेता था सर को, जब भी मुझे रहता था सर बोलते थे कि बेटा आप मुझे व्हाट्सएप करो मैं आपको बताऊंगा, है ना, तो मैं व्हाट्सएप कर देता था। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आई मैंने सीधे सर को कॉल किया है और आज इस मुकाम पे हूँ, आप सब देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय। एक बार सब लोग जोर से बोलेंगे भारत माता की जय। मैं सेंचुरियंस के बारे में बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे बेटे ने जब रिटर्न क्वालिफाई किया तो इसे कोई नॉलेज नहीं थी, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में ससुराल में और मायके में कोई भी नहीं है इस लाइन में, तो इसे कोई भी नॉलेज नहीं थी। इसने यूट्यूब पे सारी चीज़ें देखी,
और सभी लोगों से जैसे दोस्त वगैरह पूछा तो सब लोग बोले लखनऊ में क्या करोगे आप, देहरादून है, आफवा है, सारी जगह। तो मेरा बेटा मुझसे कहता है माँ इतना नहीं है अपना कि हम कर सकें, मैं लखनऊ जाऊँ कि नहीं। तो मैंने बोला आप जाके देखो, यहाँ पे कोई कोचिंग और भी है वहाँ पे पहले गया है। तो बोलता है कॉल करके कि माँ मुझे नहीं समझ में आ रही है। फिर ये यहाँ पे आया सिसर सर की कोचिंग में, सेंचुरेंस में, इसका तुरंत कॉल गया माँ मुझे यही बेटर लग रही है, मैं कर लूँ क्या? तो मैंने बोला ठीक है बेटा कर लो। फिर यूट्यूब पे सर को देखा था इसने, तो इनको जानता था लेकिन इनसे मुलाकात नहीं हुई थी। फिर ये बोलता है घर पे जाके कि माँ वहाँ पे जो मैंने देखा वो सर नहीं दिखे वहाँ पे। तो मैंने बोला बेटा जाके देखो। तो ये यहाँ पे आया, फिर सिसर सर से मुलाकात हुई, कोई प्रमोद सर भी हैं, अब मैं तो नहीं जानती हूँ, बेटे ने जितना भी बताया, वैभव सर हैं, काफ़ी सर हैं जिनसे ये इम्प्रेशित हुआ। तुरंत कॉल करके बोलता है माँ बहुत अच्छा है और मैं कर लूँगा। तो मैंने बोला बेटा ठहर, बहुत बढ़िया अगर कर लोगे तो। सेंचुरेंस में एक चीज़ देखने को मुझे मिली कि एक तो पास में है, बहुत अच्छे तरीके से किया, और 21 दिन की तैयारी में मेरे बेटे ने फर्स्ट अटेम्प्ट इसने क्वालिफाई किया SSB का। सिसर सर का और सेंचुरेंस का बहुत बहुत धन्यवाद। सेंचुरेंस इज द बेस्ट। सभी बच्चों से और पेरेंट्स से मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ये ना सोचें कि अफवाह में कराएं कि इसमें कराएं कि उसमें। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है और टीचर पढ़ाने वाले अच्छे हैं तो आपका बच्चा क्वालिफाई करेगा। जैसे मेरे बच्चे को नॉलेज यूट्यूब से हो गई थी लेकिन उसको ये पता नहीं था किस लाइन के बाद क्या करना है। मैं पहले टीचर रह चुकी हूँ प्राइवेट, तो हम बच्चे को ओलम सिखाते हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे माइंड के आते हैं जो पढ़ते हैं, ओलम पूरा आता है लेकिन लाइन बाई लाइन अच्छा नहीं लिख पाते हैं, तो वो हम गाइड करते हैं। वही सेंचुरेंस ने किया। मैं अपने बारे में कम बताना चाहूँगी, मैं अपने बेटे के बारे में बताना चाहूँगी कि एक बच्चा अपनी माँ के नाम से जाना जाता है, मैं अपने बेटे के नाम से जानी जाती हूँ पूरी उरई में। Full of perfection.